सबके मनों में जो एक देश का भाव है, जो इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने इतने वर्षों से जो देश को भ्रमित किया है, धर्म पर कुठाराघात किया है, राष्ट्र धर्म पर कुठाराघात किया है, इन सब चीजों को लेकर के मैं समाज में जाऊंगी। और मेरी तैयारी इसलिए भी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सबके मनों को जान करके और अपनी बात कहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि नेतृत्व ऐसा हो कि लोगों तक हो, वो लोगों तक पहुंचे। हम ये नहीं चाहते कि हम आज आपको भ्रमित कर दें और कल हम आपसे मिले भी नहीं, ये मेरा विषय नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति से हमारा आपस में संपर्क हो। भोपाल के विकास को लेकर कोई एजेंडा आपने तय किया है, क्योंकि वो 10 साल के विकास को अपने एजेंडा बना के लोगों के बीच जाएंगे, आपने कोई भोपाल के विकास को लेकर एजेंडा तय किया है आपने? हमारा एजेंडा तय है, तय हो रहा है, हम जल्दी से ही आपके समक्ष उसको प्रस्तुत करेंगे पूरे पॉइंट वाइज। और जो उन्होंने किया है, शिवराज जी ने जो किया है, वो सबको प्रत्यक्ष दिखता है। उन्होंने 10 वर्ष जो शासन किया, उसके बाद 16 वर्षों का जो गैप रहा, 10 वर्षों के शासन काल में उन्होंने जो किया वो जनता ने देखा है, भोगा है। लेकिन उसके बाद जो भाजपा ने किया, हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज जी ने किया, हमारे भाजपा के लोगों ने जो शासन किया है, वो जन जन तक और मन मन तक वो पहुंचे हैं। कांग्रेस ने अभी जो 3-4 महीने से वो उनकी सत्ता आई है, उन्होंने पूरी तरह से जो एक सर्वजन हिताय जो कल्याणकारी योजनाएं थी उनको बंद किया है। तो ये भी समाज के समक्ष है और मैं पूरा विधिवत आपके समक्ष ये लाने वाली हूँ। मैडम सर भी बैठ के ले रहा है, दीदी कहिए या साध्वी जी कहिए, आप पूछिए। दिग्विजय सिंह लगातार हमला कर रहे हैं, उन्होंने कल हालांकि कहा है कि अच्छा है, आपका स्वागत किया है, तो क्या लगता है कि टफ कंटेंडर हैं या फिर आप आसानी से मात दे देंगे? देखिए, हम धर्म युद्ध के लिए निकले हैं, हम किसी भी चीज को कठिन नहीं मानते हैं, हम अपने उद्देश्य को लेकर निकले हैं। और जिसका पक्ष धर्म का होता है, सत्य का होता है और सबके कल्याण का होता है, वो निश्चित रूप से पक्ष अच्छा होता है, हमारा वही पक्ष है। साध्वी जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने 2-3 महीने में काम नहीं किया, धर्म के लिए काम नहीं किया, मगर उन्होंने गौशालाएं भी बनवाई, 1000 गौशालाओं के निर्माण के लिए, इस फैसले को कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से इसके विषय में भी आपके पास लिखित में जल्दी से आएगा और हम आपकी बात को, आपके प्रश्नों को जल्दी से उत्तर दे सकेंगे, अच्छे से उत्तर दे सकेंगे। पर अभी कुछ चीजें तैयार हो रही हैं, हमें कल का ही समय अभी मिला है, समय थोड़ा सा। आपने कहा कि आप शिवराज जी ने जो काम किया उसको लेकर आप जनता तक पहुंचेंगे, आपका खुद का क्या एजेंडा होगा या फिर शिवराज की चेहरे के सहारे ही आप जनता तक पहुंचेंगे? देखिए, जिन्होंने अभी 15 वर्षों तक यहां कार्य किया है वो तो विषय है ही, और कांग्रेस के द्वारा जो भगवा को आतंक कहा है, आतंकवाद कहा है, हिंदुत्व को आतंकवाद कहा है, ये विषय मुख्य है। क्योंकि एक स्त्री की प्रताड़ना मुझे और कानून का उल्लंघन, ये जो इन्होंने एक षड्यंत्र पूर्वक किया है, वो लेकर के भी मैं समाज में जाने वाली हूँ। मुझे स्वयं को जितना प्रताड़ित किया है, मुझे लगता है कि ऐसे परतंत्र काल में भी किसी को नहीं किया होगा। इसलिए ये जो चीजें हैं, जो मैं एक बात कहती हूँ, जो आज मेरे साथ हुआ, आज से 10 वर्ष पहले जो मेरे साथ हुआ है, मैं कैसे गारंटी दूं कि समाज में और किसी के साथ नहीं हो सकता? क्यों ये संवेदना उस समय खत्म हो गई थी? क्यों स्त्री को स्त्री शरीर नहीं माना जा रहा था? क्यों उसको आतंकवादी घोषित किया जा रहा था? क्यों उसके भगवा वस्त्र, जो अपना जीवन समर्पित ईश्वर को कर दिया है, वो स्वयं तिल तिल कर जलता है, वो भगवा जिसके अंतर्गत उसने अपना जीवन को समाहित कर दिया है, वो भगवा जिसके अंतर हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके अंदर भी भगवा है, उसको उन्होंने आतंकवाद कह दिया। ये जो चीज है, ये अक्षम्य अपराध है, ये बिल्कुल हमारे सामने हमारे मुद्दे हैं। और ये विषय इसलिए है कि समाज जागरण का विषय है, क्योंकि आगे से इस प्रकार की प्रताड़नाएं और कानून का उल्लंघन, कानून के अंतर्गत गैर कानूनी कार्यवाहियां, ये नहीं होना चाहिए। आपको लगता है ये मुद्दे जो यूथ है और महिलाएं ऊपर असर करेगा, क्योंकि यूथ का एजेंडा अलग होता है, वो अलग तरीके से सोचते हैं, यूथ हिंदू आतंकवाद या राष्ट्रवाद उनको लग रहा है प्रभावित करेगा? सुनो, हिंदू आतंकवाद निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति है,
जो भी है, हम कहते हैं आज हिंदू की अकेली उन्होंने हिंदू आतंकवाद कह दिया, क्या भरोसा है कि वो मुस्लिम आतंकवाद, क्रिश्चियन आतंकवाद, कभी स्त्री आतंकवाद, कभी पुरुष, जिन्होंने भेद करना सीखा है, जिन्होंने विघटन करना सीखा है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। भोपाल के बारे में भी दिग्विजय सिंह जी ने कहा है कि बहुत शांत है और आप लोग सोचें कि यहाँ पर आप किसके लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की शांति खराब ना हो, किस तरह से प्रत्याशी को यहाँ पर उतारा गया, तो इसको बिल्कुल वो हमारे ही बात कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि यहाँ शांति भंग ना हो, इसलिए ऐसे लोगों को भोपाल में आने भी नहीं देना चाहिए, चाहे अभी का समय हो, प्रचार प्रसार का समय हो, अथवा उसके पश्चात का समय हो, यहाँ शांति स्थापित होनी चाहिए। इसलिए सन्यासी शांति की स्थापना के लिए ही निकले हैं। ये सनातन धर्म कभी भी किसी भी प्रकार से कोई विध्वंस नहीं करता है, और जिन्होंने विध्वंसात्मक शब्द भी बोले हैं और कर्म भी किए हैं, वो अगर शांति की बात करते तो वो तो मेरी बात कर रहे हैं, मैं प्रसन्न हूँ इस बात से। कम समय बचा है, लगभग एक महीने कैसे रख पाएंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह जितना कवर कर दिया है उन्होंने प्रचार प्रसार में, आपको लग रहा है कि उतना आप कवर कर पाएंगे, कम समय बचा है आपको? मुझे लगता है कि उन्होंने तो ये पूरा प्रयास किया है कि मैं तो समाज में मैं तो जिंदा ही ना रहूं, पर मैं अगर जिंदा हूं, भले ही मैं उन्होंने मुझे तोड़ फोड़ दिया है, लेकिन फिर भी मेरा आत्मल कमजोर नहीं है, क्योंकि मैं देश को समर्पित हूँ, धर्म को समर्पित हूँ, राष्ट्र धर्म को समर्पित हूँ। इसलिए कितना भी होगा, मैं ये कार्य करके संपूर्ण अपनी पूरा शक्ति लगाऊंगी, हमारा जो पार्टी है वो भी लगाएगी पूरी शक्ति। हमारा तो सिर्फ ये मान लीजिए कि मेरा तो एक बहुत ज़्यादा इसमें प्रत्यक्ष कहीं भी इन्वॉल्व में नहीं थी, पर जो भी कार्य किए हैं, जो भी लोग समर्पित हैं, वो सब संगठनात्मक तौर पे कर रहे हैं। पहले कई लोगों के नाम यहाँ भोपाल में चल रहे थे, चाहे वो महापौर आलोक शर्मा हो या आलोक संजर हो, और भी कई नाम है, तो आपको लगता है ये अब सारे लोग आपका साथ देंगे या पीछे से कोई भी सेबोटेज या कुछ दूसरी षड्यंत्र नहीं होगा? सभी राष्ट्रभक्त है और सभी एक स्वर में इस कार्य को पूर्ण करेंगे, क्योंकि ये देश का कार्य है और ये किसी का व्यक्तिगत कार्य नहीं है, ना ही मैं मेरा कार्य है, ना ही उन सबका कार्य है, सबका मिलके कार्य है, क्योंकि ये कार्य देश के लिए किया जा रहा है। जी, आपने दो बातें कही है, भगवा आतंकवाद आपने कहा कि सबसे पहले कि कांग्रेस ने कहा है, दूसरा एक विकास का मुद्दा होता है, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस पूरे चुनाव में क्या रहता है? किसी राष्ट्र को समर्पित किसी व्यक्ति को अगर आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, सैनिकों पे प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए जाएं, दुश्मन देश पर की हुई कार्रवाइयों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया जाए, जो भी गोपनीय बातें हैं उनको उजागर करने का प्रयास, यानी रक्षा का विभाग जो है उसकी सब बातें स्वयं के उसमें संज्ञान में लेकर के और वो गोपनीयता को भंग करना, ये सब देश के विरुद्ध कार्य हैं। और इनको मुझे लगता है जब देश सुरक्षित होगा तो हम सुरक्षित होंगे, और हम सुरक्षित होंगे और हमें जिस प्रकार से अवसर दिया जाएगा हम पूरी तरह से अपने देश के लिए विकास कार्य निश्चित रूप से करेंगे, पर यदि देश सुरक्षित है तो ही हम विकास कार्य भी कर पाएंगे। लगता जी, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि आपको टॉर्चर किया है, लेकिन सबूत तो दे दें, अब वो ऐसी बात कह रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि स्वयं करके ये वो बातें मान रहे हैं, वो सबूत भी उनको मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। और बिना प्रमाण के मैं कोई बात नहीं करती, फिर भी एक बात आज मैं आपसे कह देती हूँ कि उस समय से लेकर के और अभी तक आप देख रहे हैं कि इन्होंने जो कर्म किए हैं उन सब का, जो गैर कानूनी कर्म किए हैं, जो षड्यंत्र किए हैं, वो सब का एक प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूँ, इससे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण कुछ और हो नहीं सकता। दीदी, जावेद उन्होंने आपको लेकर एक ट्वीट किया है और कमेंट किया है कि संघ ने इस तरह के कैंडिडेट को यहाँ उतारा है, और एक मजाक सा उन्होंने उड़ाया है। जो लोग देश के विरुद्ध कभी भी कुछ भी बयान दे देते हैं, वो लोग कुछ भी बयान देते रहेंगे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा देश है, ये हमारा देश है, हम इस देश के लिए कर्म करते हैं, जीते हैं और मरते हैं, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के दुश्मन विरोधी लोग ये सब बातें कहते रहते हैं। यदि एक आखिरी सवाल, आपको लेकर एक तरह से एक छवि है कि पूरी तरह से हिंदू समर्थक है, या मुस्लिम समुदाय के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए आपके क्या मुद्दे हैं? उनसे हमारा सिर्फ यही कहना है कि वो भी इस धरती के पुत्र हैं, और जो इस धरती का पुत्र है
उसको अपने देश के लिए, धर्म के लिए और यहाँ के विकास के लिए, यहाँ वो जब धरती के पुत्र हैं तो सब कर्तव्य जैसे मेरे बनते हैं ऐसे उनके भी बनते हैं, सब करें एक होकर के आनंद पूर्वक अपने देश को परम वैभव पर पहुँचाए। बिल्कुल, जो भी परिस्थिति बनेगी। नामांकन को लेकर आपकी क्या तैयारियां, कब जाएंगे, किसके साथ जाएंगे और सोचा है कौन से दिन? मैं 23 तारीख को, 23 अप्रैल को नामांकन भरूंगी। प्रचार के लिए कुछ आग्रह किया है अपने देश में? अभी मैंने, ये तो पार्टी तय करेगी और जो भी तय होगा वो योगी है।